सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल ओजोन क्लासेस। मैं हूं आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द 21 डेज लॉकडाउन स्ट्रेटेजी। तो जाहिर सी बात है देश जो है 21 दिनों के लिए बंद है, इट इज अ काइंड ऑफ कर्फ्यू। तो लोग जो है अपनी जरूरत का सामान, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी जरूरत का सामान जो है अपने घरों पे रखें, जिसके बाद जो है आप आसान तरीके से अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सके और पढ़ाई भी कर सके। बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम we need to be very very strong and we need to break the chain with coronavirus। तो I think ये 21 days का जो lockdown है ये बहुत ही अच्छी strategy है coronavirus से fight करने के लिए। So 21 days में आप अपने preparation को बहुत अच्छे तरीके से boost कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप लोग जो है preparation के साथ साथ अपनी family के साथ time जरूर गुजारिए, okay? Because सारे के सारे लोग घर पे हैं and obviously सारे के सारे लोग bore भी होते होंगे। आप लोग एक घंटा आधा घंटा जो है अपने घर वालों के साथ अच्छे तरीके से गुजारिए, बात करिए, टीवी देखिए, लेकिन साथ साथ अपने प्रिपरेशन को अराउंड 8 से 10 घंटे जरूर दीजिए। इफ यू आर अ वेरी सीरियस एस्पिरेंट देन यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 21 डेज इन योर लाइफ। आपको आसानी से पता होगा कि कितना बेहतर आप लोग कर सकते हैं 21 दिनों में अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। कोटा फैक्ट्री अगर आपने देखा था तो हर आदत को पढ़ने में 21 दिन लगते हैं। तो आप कोई नई चीज सीख सकते हैं इन 21 दिनों में, या फिर आप जो पुरानी चीजें कर रहे थे उनको और बेहतर कर सकते हैं। आप लोग फिलहाल क्या कीजिए, आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए अपने यू नो एक प्लानिंग कर लीजिए कि इन 21 दिनों में आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास भी फिलहाल टाइम है। हमारा कॉलेज जो है अभी और पोस्टपोन हो गया है, दैट इज ऑब्वियसली वेरी श्योर। अगर देश ही पूरा लॉकडाउन है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं खुलेंगी। सो हमारी यूनिवर्सिटी भी फिलहाल बंद है 15th of April तक। सो हमारे पास अभी फिलहाल अच्छा खासा टाइम है। हम लोग अगर एक दिन में एक वन शॉट वीडियो भी बनाते हैं तो भी हमारे पास जो है एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव है अपने सिलेबस को एक कॉम्बिनेटिव वे में पूरा करने का। सो भगवान की दया से हमारा जो सिलेबस बचा है उसमें अराउंड 20 चैप्टर्स बचे हुए हैं एंड वी डू हैव 21 डेज इंक्लूडिंग टुडे। यानी कि अगर हम आज से स्टार्ट करते हैं तो हम करेक्ट 15th of April को अपना सिलेबस पूरा कर चुके होंगे। सो इफ यू आर अ वेरी न्यू स्टूडेंट ऑन दिस चैनल, या फिर अगर आप किसी और चैनल से भी पढ़ाई कर रहे हैं, देन दैट यू नो डजंट मैटर, बिकॉज द फाइनल थिंग इज टू कंप्लीट योर सिलेबस इज टू गेट सिलेक्शन। चैनल कोई भी मैटर नहीं करता। अगर आपको लगता है कि और चैनल्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप वहां पर जाकर पढ़िए, लेकिन पढ़िए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आप हमारे साथ स्टार्टिंग से कंटेंट को देखते हुए आ रहे हैं, देन आई एम गोइंग टू मेक ऑल द 21 वन शॉट वीडियोज इन कमिंग 21 डेज। हमारे जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं जो मैं डिटेल में करवाने वाला था वो डिटेल में करवाऊंगा, जो मैं वन शॉट में कराने वाला था वन शॉट में कराऊंगा, लेकिन आपका 15th से लेकर 20th April के बीच में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज अ श्योरिटी। ये मैं आपको खुद कह रहा हूं। सो इस बात को आप मार्क कर सकते हैं दैट यस सर इज गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। सेकेंडली, अगर आपको कोई और चीज चाहिए, अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे कि हम लोग जो है उस पर थोड़ा बहुत काम करें। बिकॉज नाउ जो स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे उनके लिए भी ये एक थोड़ा खराब स्थिति है, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एजुकेटर्स आर क्वाइट गुड, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेटर्स जो है बहुत बड़े बड़े टीचर्स यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाते हैं। आप उनको देख सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप जो है प्रैक्टिस सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विद यू गाइस, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट योर प्रिपरेशन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुडंट वेस्ट योर टाइम एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। काफी सारी चीजें हैं जो हो रही हैं, काफी सारे यू नो वीडियोज बन रही हैं, काफी सारे व्लॉग्स बन रहे हैं जहां पर लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट द नीट इज गेटिंग पोस्टपोन। ऑब्वियसली पोस्टपोन होगा, बट वी डू नॉट हैव द अथॉरिटी, वी डू नॉट हैव द पावर टू टेल यू द एग्जैक्ट डेट्स। लोगों ने एग्जैक्ट डेट्स तक रिलीज कर दिए हैं अपने चैनल पे, विच इज टोटली फेक एंड विच इज अनऑथेंटिक। यू डोंट नीड टू वॉच ऑल दीज थिंग्स। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास दिमाग है भगवान की दया से, आप ऑथेंटिक सोर्सेज पर जाइए, आप NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए, आप उससे चीजें देखिए। कोरोना वायरस इतना ज्यादा क्यों बढ़ा, क्योंकि लोग जो है बहुत ज्यादा बुद्धू हैं, लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि दे यूज टू बिलीव इन रैंडम सोर्सेज। आप कभी भी किसी रैंडम सोर्स पर भरोसा मत कीजिए जब आपके पास ऑथेंटिक सोर्स हो। एंड वॉट इज दैट ऑथेंटिक सोर्स, द WHO गाइडलाइंस। सो जैसे आप कोरोना के केस में WHO को बहुत ज्यादा महत्व देते हो बिकॉज दे आर द ओनली ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन राइट नाउ, सिमिलरली द NTA इज ओनली ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन राइट नाउ। और मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, ऐसा बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूँ, मैं इन चक्रों में बिल्कुल मत पड़ना। खाम का यार अपना टाइम वेस्ट मत करो इस टाइम पे। जितने टाइम में आप लोग कोई ऐसी वीडियो देख रहे हो जिसमें सामने वाला 20 मिनट में आपको ये बता रहा है कि हम श्योर नहीं है, लेकिन हाँ नीट पोस्टपोन हो सकता है, वो सबको बताए कि नीट पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन हम लोग डेट बताने वाले कोई नहीं होते। और एक बात जो मैं आपको बता रहा था बड़ा भाई होने के नाते, वो ये है कि आपको बिना बताए नीट कोई नहीं करवाने वाला। नीट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है जो एक रात में हो जाएगा कि हाँ आप सो रहे थे, आप सुबह उठे तब तक नीट होके निकल गया।
ऐसा नहीं है, आपको एक महीने पहले बकायदा बता दिया जाएगा, सारी डेट्स आपके हाथ में आ जाएंगी, आपको भी एडमिट कार्ड मिलेगा, आप भी जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, आप भी एग्जामिनेशन देंगे, आपके बिना ये एग्जामिनेशन नहीं होगा। और ये बात मैं ठप्पा मार के बता सकता हूं, मैं इसमें 99% नहीं कह रहा बाकी चैनल्स की तरह, मैं 100% कह रहा हूं। सो आप अपना टाइम इन जगह मत दीजिए फिलहाल, बिकॉज द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ओनली एंड ओनली NTA, जिन्होंने कहा है कि वो 31 तारीख को आपको बता देंगे। सो 31 से पहले प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा महत्व मत दीजिए, अपनी पढ़ाई करिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारी बकवासें ऑलरेडी फैली हुई हैं, और ज्यादा अपने लाइफ में स्ट्रेस मत लो यार, ये चीजें कुछ नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस देती हैं, स्टूडेंट समझ नहीं पाते और डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर इस टाइम पर आप एक इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने की बजाय आपको एक काम की वीडियो देखते हैं तो आपको और अच्छा फील होगा। आप यार बीबी की वाइंस देख लो, आप कुछ भी देख लो, एटलीस्ट वो लोग आपको हंसाएंगे, आपका मूड जो है बूस्ट करेंगे। लेकिन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको देख के आपका माथा और खराब हो रहा है, उस इन्फॉर्मेशन की तरफ मत जाओ, इररिलेवेंट चीजों का हाथ मत पकड़ो एट दिस मोमेंट। अपनी फैमिली के साथ रहो, टाइम गुजारो, घर पे रहो, बहुत अच्छे तरीके से खाओ पियो और अपना प्रिपरेशन प्लान बना लो। मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज कमेंट सेक्शन में आप जो भी लिखते हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, लेकिन सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता जरूर हूँ और उस पर एक्शन लेता हूँ। सो वट एवर यू नीड फ्रॉम माई एंड, वट एवर आर द एफर्ट्स दैट आई कैन पुट फॉर यू गाइज, जस्ट लेट मी नो अबाउट दिस। एंड इफ यू वॉन्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देन बेसिकली आप लोग जो है NTA की साइट पर 31st को विजिट कर सकते हो, उन्होंने ऐसा बोला है कि वो लोग बता देंगे, एंड देर आर चांसेस की पोस्टपोन होंगे, लेकिन डेट अभी हमें नहीं पता और आपको बिना बताए नीट कोई नहीं करने वाला। सो जाहिर सी बात है आप धैर्य रखिए, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि फिर उन बच्चों में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा जो कि टाइम फोड़ते फिर रहे हैं अपने यहाँ वहाँ पे। जो लोग अपना टाइम देना चाहते हैं और चैनल्स पे, आपको बहुत बहुत बधाई, आप लोग दे सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देखो यार, उससे मेरा कोई घाटा नहीं है, किसी का भी कोई घाटा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये बात रियलाइज कर पा रहे हो तो जो घाटा है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, बिकॉज यू आर गिविंग अ थिंग विच कांट कम बैक, दैट इज टाइम। सो यूटिलाइज योर टाइम इन अ वेरी बेटर वे इन ऑल द पॉसिबल वेज, और कोशिश ये कीजिए कि बेहतर से बेहतर आप प्रैक्टिस करें इस टाइम पे, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा देश जो है एक साथ है और पूरा देश घर में है, सो सबके साथ जो है स्थिति बिल्कुल सेम है। लेकिन आपसे दरख्वास्त ये करूंगा कि बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर टुगेदर, एंड हमसे जो हेल्प हो पाए आप लोग बता सकते हैं, बिकॉज आई एम करंटली एट होम और काम भी कर रहे हैं रेगुलरली। अभी जो है आपके वीडियो के लिए कंटेंट ही बन रहा था, बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू गो इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक चैप्टर 11th, एक चैप्टर 12th ऐसे करके कर सकता हूँ। सो पूरा सिलेबस यार हो जाएगा 15 से 20 अप्रैल तक, सो आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि सर ये चैप्टर कर दो, वो ओवरऑल वी आर गोइंग टू डू द होल चैप्टर्स, राइट, वी आर गोइंग टू डू द होल सिलेबस। सो ऑब्वियसली डोंट नीड टू टेल मी दैट कि सर आप ये पहले करा दो वो पहले, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलते हैं बहुत अच्छा रहेगा, और अगर कोई बहुत ही ज्यादा डिमांड आएगी तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। ऑलराइट, स्टे सेफ, वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स, रियली दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर यू। किसी और का कुछ नहीं जा रहा और किसी और के बिजनेस से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि आप लोग अपना टाइम उन चीजों पर वेस्ट मत करिए जो कि इररिलेवेंट है और इलॉजिकल है। कुछ अच्छी चीज देख लो, तब तक कोई कॉमेडी वीडियो देख लो, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है तो नेटफ्लिक्स देख लो, और जो भी कर सकते हो करो यार, लेकिन एटलीस्ट ऐसी चीज मत देखो जिससे खाम खा के टेंशन हो। ओके, ऑलराइट गाइस, पीस आउट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। बायोमॉलिक्यूल्स आज रात को कोशिश करूंगा इस चैप्टर को मैं पूरा कर दूं, तो आज रात को अपलोड हो जाएगी, और टुमारो मॉर्निंग जैसे ही पूरी हो जाएगी आई एम गोइंग टू अपलोड दैट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।